नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो से आज एक टॉपिक्स देंगे, जो टॉपिक्स आप लोगों के सामने बहुत फायदेमंद साबित होंगे। अब देख सकते हैं ये सामने एलएचबी गाड़ी है। एलएचबी गाड़ी में किस तरीके से वाटर टैंक में वाटर फिलिंग होता है और उसके जो टैंक का जो कनेक्शन रहता है, कितना टैंक रहता है और उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। तो चलिए देख सकते हैं सामने एक वाटर टैंक 685, एक वाटर टैंक 685 और दूसरा तीसरा नंबर जो है उधर देख सकते हैं 685 के तीन। और गाड़ी है आपका एसी गाड़ी, मतलब एलएचबी में जो एसी गाड़ी होते हैं उसके जो वाटर टैंक से सप्लाई जो लाइन जाते हैं उसके जो पाइपलाइन डायग्राम है देख सकते हैं, पाइपलाइन डायग्राम है। और ये पंप मशीन दिख रहा है आपको, इस पंप मशीन से पंप में आपको वाटर आपका लेबोरेटरी में जाते हैं और ये बिना पंप से आपको लेबोरेटरी पानी नहीं जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोगों को इसके पाइपलाइन डायग्राम दिखा रहा है, आप लोग देखते रहिए। तो देखिए ये एलएचबी है, मैंने आज आईसीएफ का भी आपका वीडियो बनाया है, एलएचबी आईसीएफ दोनों आगे पीछे देंगे। ये खड़गपुर स्टेशन से हूँ मैं और इस एलएचबी में किस तरीके से पानी दिया जाता, गाड़ी में कहाँ से पानी आपको भरा जाता और टैंक कहाँ से वाश होता, टैंक में क्या क्या चीज़ लगा है। तो चलिए पहला बात है, एक टैंक, दो टैंक, तीन टैंक देख रहा है, एक एसी गाड़ी है। इस तरीके का टैंक रहता है, इसमें देखिए आपका पानी का गेज है, मीटर गेज है, इसमें पानी का लेवल देखने के लिए हर टैंक में रहेंगे। इधर कुछ नट बोल्ट सिस्टम से इधर बांधा हुआ है और ये फिलिंग पॉइंट है, इधर से पानी आपका कोई स्टेशन में इसको सप्लाई दिया जाता है टैंक फुल होने के लिए, ये टैंक फुल होने के लिए। लेकिन ये टैंक फुल होगा लेकिन आपका मशीन अगर चालू नहीं होगा, देखिए इधर मशीन है देख सकते हैं आप, ये दो पंप मशीन है और उनके कनेक्शन किया हुआ है और ये मशीन नहीं चालू करेंगे तो वो आपको ऊपर में पानी नहीं पहुंचेंगे। इस टैंक में देख सकते हैं कि आपका इधर फैन स्क्रू है और ये आपका 32 mm का पाइप में है, एक स्क्रू लगा हुआ देखिए, ये अगर गिर जाता तो पानी आपका पूरा नील हो जाएगा, कभी हीट करके टूटने से अगर इसमें हो सकता आपको कुछ रेमेडी उपाय करके आपको एन रूट में गाड़ी भेजना है, जहाँ गाड़ी का डिपो में काम होगा तो उनको तो सीख करके गाड़ी उसको बनाना ही है, लेकिन एन रूट में क्या गाड़ी आप काट देंगे, नहीं काट सकते, तो लकड़ी का गुटका होता, गुटका देकर इसको सेव करना जरूरी है। ये दोनों टैंक में देखिए एक कॉमन आपका पाइप कनेक्शन किया हुआ है, मतलब ये टैंक में देखिए इधर से फिलिंग होगा, इस टैंक में उस तरफ जस्ट उस तरफ में आपका पॉइंट है, उस तरफ अपोजिट साइड से इस तरीका के जो है इस टैंक में फिलिंग होगा और वो जो टैंक देख रहे हैं ये दोनों फिलिंग होने के बाद में उस टैंक में भी फिलिंग होगा, इसके बाद में आपका मशीन से ऊपर में जाएंगे। पहला आप लोगों को फिलिंग समझाया है, इसके बाद में देखिए इंटरनल कनेक्शन किया हुआ है, इधर देख सकते हैं ये देखिए ये पाइप आपका, इसमें देखिए आइसोलेटिंग कॉक है और ये इधर से आपका कुछ प्रॉब्लम होने से वो आइसोलेट करके आपको सिंगल टैंक में किसी भी भेज सकता है गाड़ी। अब देख सकता है ये आपका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का उधर आपका वो पाइप आके कनेक्टेड है और यही जो पाइप आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये जो कनेक्टेड है, यही पाइप आपका इसको वॉश करने के टाइम में काम आते हैं, ठीक है। ये जो पाइप आप देख रहे हैं ना, यही है, ये टैंक वॉश करने के लिए काम आते हैं। इसको देखिए मोटा मोटा वायर से फिटिंग किया है, ऊपर से नट बोल्ट है, देखिए नट बोल्ट है, नट बोल्ट से फिटिंग किया गया और इसके जो देखिए ये आपका वेंट इधर लगा हुआ है, ये दोनों तरफ ये डमी किया हुआ है,
बीच में देखिए दोनों पाइप कनेक्ट हुआ, ये दोनों को लिंक किया, वो दोनों को कनेक्टेड जो लिंक हो रहा है इस टैंक को लिंक कर रहा है। इधर डब्ल्यू आर ए मशीन में एक आइसोलेटिंग कॉक दिया हुआ है, देखिए ये पाइप कनेक्शन उधर जा रहा है और वो दोनों मशीन में जा रहा है, देख सकते हैं। उसके फिर आउटपुट में एक पाइप जो है, ये पाइप आके इस पॉइंट पर आपको टी जॉइंट हुआ और ये आपका 12 mm पाइप से ये चले गया आपका पंपिंग मशीन में, जो कि ऊपर में आपको टैंक में फिट है। और ये देख रहे हैं, ये जो है ये आपका इस तरफ से जा रहा है इस टैंक में, एक लेफ्ट टैंक में जाएंगे। तो मैंने अंदर से एक पाइप इधर से दिखाया कि देखिए ये इधर से लेफ्ट में गया और इस टैंक से गया और इस टैंक से आपका उस तरफ का लैब में जाएंगे, जो वो देखिए इधर देख सकते हैं, देखिए सामने में आपका इस टैंक से निकला हुआ और इस तरफ पाइप गया। ये डब्ल्यू आर ए मशीन जो है पंप मशीन है, इसमें करंट दिया जाता है, ये पंप चलता है, ये पंप चलने के बाद में पानी इधर आते हैं, पंपिंग होता है, इसके बाद में इस पॉइंट से ऊपर जाता है, जाने के बाद में ये सप्लाई होते हैं। कभी कभी ये सब पाइप खुल जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, तो देख लीजिए इस पाइप को आप लोग जुगाड़ में रखेंगे, कभी दरकार होगा तो कट काटने से फिर इसको जोड़ देना चाहिए। मैंने उस तरह का फिलिंग पॉइंट दिखाया था और वो आपका इस टैंक से लिंक अप था उस तरफ में जो था, देखिए ये फिलिंग पॉइंट आपका इस टैंक में है, मतलब एक पॉइंट इसमें फिलिंग होगा, एक पॉइंट इसमें फिलिंग होगा, गाड़ी जिस तरफ जहां आपका लोडिंग पॉइंट रहेगा कोई भी होगा, लेकिन तीनों अंदर में लिंक अप है, कहीं से भी पानी आएगा तीनों टैंक भर जाएगा, तीनों टैंक से लिंक अप है आपका मोटर का साथ, मोटर पंप होगा तो तभी जाके आपका पानी सप्लाई मिलेगा ऊपर में, ऊपर में ऑक्सिलरी रिजर्वर जो है 30 करके है, उसके ऊपर में पानी टैंक पानी जाएंगे पंप होने के बाद में, ऐसी नहीं पहुंचेंगे क्योंकि ऊपर में पानी नहीं जा सकता पंप बिना, मतलब आपके बिना पंप में गाड़ी में पानी नहीं जाएगा लेबोरेटरी में। अभी मैं दिखा रहा कि वो दो पाइप देखिए अंदर से चले जा रहा, देख सकता है ये देखिए दो पाइप, ये देखिए ये दोनों पाइप, देखिए दोनों पाइप आ रहा है और इधर देखिए ये घूम के आपका, देखिए घूम के आपका इसमें लगा हुआ है। अब इसमें दोनों ऊपर गया, ठीक है दोनों ऊपर गया और ये ऊपर, ये एसी गाड़ी है, लॉक किया हुआ है, मैं चढ़ नहीं सकता, तो आप लोगों को नहीं तो ऊपर में लैब में दिखाते हैं। इसमें आपका जो पानी जा रहा आप लोगों का टॉयलेट में, बेसिन में, फ्लास में, जबकि आप लोग लैट्रिन करते हैं फ्लास दबाना पड़ता, फ्लास में हाथ धोने के लिए जो भी सामान रहता है पानी का इस्तेमाल, सभी में ये पानी आपका सप्लाई देता है। इस पाइप आपका 12 mm का पाइप है, इधर आपका 28 mm का पाइप है, ये जॉइंट आपका 28 mm है, आपका 32 आपका इधर आपका प्लास रबड़ पाइप लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं इधर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, शायद आप लोग समझ सके हैं कि किस तरीके से एक LHB कोच में आपके पानी सप्लाई होता है आप लोगों को सवारी करने का टाइम। तो एक वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ होता है दोस्त, बहुत प्रॉब्लम से अंदर गाड़ी का घुस के, देखिए लाइन में ऑनलाइन है, कहीं ट्रेन टान सकता है, हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।